चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अब हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। गामा फंक्शंस में जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, तुम्हें हमेशा ये देखना होता है कि कैसे तुम तुम्हारे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इस फॉर्म का डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू 0 to infinity x रेस टू a, इसको ऊपर लाएंगे ताकि अच्छे से लाइन में आएगा। सो अगर इसको ऊपर लाएंगे तो a रेस टू माइनस x हो जाएगा एंड dx वैसे का वैसा। अब अगर तुम इसको और हमारे फॉर्म को कंपेयर करोगे तो किस चीज़ की कमी है, e की कमी है, राइट। तो वही e हम इधर लाएंगे, कैसे लाएंगे, 0 to infinity x रेस टू a। अब क्या मैं इसको e रेस टू log a रेस टू माइनस x लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स, क्योंकि e रेस टू log हमेशा कट जाता है एंड dx। अब इसी को मैंने e रेस टू log क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी e के ऊपर माइनस है, मतलब e के टकले पे वहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है। तो ये हमारा एक हिंट है कि हमें e रेस टू log का जो कार्यक्रम करना है वो यहाँ पे ही करना है और यही से आंसर आएगा, तुम लोग बाद में देखोगे। अब यहाँ पे देखो, 0 to infinity x रेस टू a, क्या मैं इसको, अभी ये इधर आएगा और ये हमेशा होता है अगर यहाँ पे log होता है तो e रेस टू माइनस log a और यहाँ पे x dx, इसको बस मैंने यहाँ पे लाया और ये हमेशा होता है। अगर तुम मैथ्स थोड़ा सा अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होगा। अब फिर से हमारे क्वेश्चन को और इसको कंपेयर करो, यहाँ पे देखो e रेस टू माइनस ये सब है बट वहाँ पे तो e रेस टू माइनस t है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट log a into x is equal to t, अब ये उधर जाएगा, so that is x is equal to t upon log a। ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, दैट इज dx is equal to dt upon log a। अब मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पे dx अकेला मिलेगा, ताकि हम ये इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और बाकी की जगहों पे भी ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं हमारे लिमिट्स हमें चेक करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x t। जब x 0 था, क्या t भी 0 होगा, तो x के जगह पे 0 डाल के देखेंगे, अगर इसके जगह पे 0 डालेंगे तो t भी 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। दूसरा लिमिट क्या है, 0 और इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी होगा तो क्या 0 भी इन्फिनिटी होगा, x के जगह पे अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, तो मतलब t भी इन्फिनिटी होगा, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी, मतलब बेसिकली लिमिट्स वही होंगे। सो वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा सब 0 to infinity, देन x रेस टू a, x क्या है, t अपॉन log a, सो t अपॉन log a रेस टू a एंड e रेस टू माइनस ये t है, सो e रेस टू माइनस t dt, आई मीन dx, dx का वैल्यू क्या है, dt अपॉन log a, सो dt अपॉन log a। अब हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर निकाल देंगे। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये 1 अपॉन log a और यहाँ पे ये log a, मतलब बेसिकली वही। सो अगर इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन log a रेस टू a प्लस 1, ये कहाँ से आया, ये log a रेस टू a है और यहाँ पे log a रेस टू कुछ नहीं मतलब रेस टू 1 है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 1 आता है। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity t रेस टू a e रेस टू माइनस t dt। अब अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ चुका है। सो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे log a और a प्लस 1, डायरेक्ट आंसर क्या है, n प्लस 1। अब यहाँ पे n क्या है, n a है, तो डायरेक्ट आंसर क्या है, गामा n प्लस 1, तो गामा a प्लस 1। सो बेसिकली आंसर आएगा a प्लस 1 अपॉन log a रेस टू a प्लस 1। क्या ये सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो इसलिए प्रूफ हो चुका है।